20 साल से चल रही शुगर रोग यानी कि डायबिटीज की दवा सिर्फ 7 दिन में बंद हो गई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में डायबिटीज के कितने मरीज हो चुके हैं और आने वाले टाइम में तो डायबिटीज और भी बहुत से लोगों को हो जाएगी यदि हमने इस डायबिटीज की बीमारी पर अभी काबू ना पाया। दोस्तों, डायबिटीज का कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके कंट्रोल ना रहने पर हमारे शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कि किडनी की बीमारी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट की बीमारी हो जाती है और हर टाइम जान का जोखिम तो बना ही रहता है। हमारा सारा टाइम बस यही सोचने में लग जाता है कि कैसे इस बीमारी को कंट्रोल किया जाए। इस तरह से सोच सोच कर दोस्तों स्ट्रेस भी बढ़ जाता है और हमारी लाइफ नॉर्मल नहीं रहती क्योंकि वो तो सोच से घिरी हुई रहती है। दोस्तों, यदि आप भी डायबिटीज की बीमारी से जूझ रहे हैं तो आज आप सही वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिसका यदि आप हमारे द्वारा बताई गई विधि से प्रयोग कर लेते हैं तो आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज कंट्रोल में नहीं हो सकती, आप इसे बिल्कुल आसानी से कंट्रोल में कर सकते हैं। जरूरत है तो बस थोड़ी सी लाइफस्टाइल सुधारने की। तो चलिए आपको नुस्खा बताते हैं जिससे आप इस डायबिटीज को कंट्रोल में रख पाएंगे। दोस्तों, नुस्खा बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 50 ग्राम मोटी वाली सौंफ, जो अचार में हम यूज करते हैं वो सौंफ आपने लेनी है, मोटे वाली, बारीक सौंफ आप ना लें। 50 ग्राम आपको चाहिए सूखा हुआ आंवला, इस तरह से 50 ग्राम गुड़मार बूटी, 50 ग्राम नीम की सूखी हुई पत्तियां, इस तरह से आप ये पत्तियां ले लीजिए। 100 ग्राम आपने लेनी है काली जीरी। दोस्तों, जीरा और काली जीरी में अंतर होता है। 250 ग्राम आपने लेनी है जामुन की गुठली, इस तरह से ये सारी चीजें ले लीजिए। 50 ग्राम मोटी सौंफ, 50 ग्राम सूखा आंवला, 50 ग्राम गुड़मार बूटी, 50 ग्राम नीम की सूखी हुई पत्तियां, 100 ग्राम काली जीरी और 250 ग्राम यानी 250 ग्राम जामुन की गुठली, ये सारी चीजें दोस्तों आपने लेनी है। दोस्तों, ये सारी चीजें आपको पंसारी की दुकान पर इजीली मिल जाती हैं, वहां से आप इसे खरीदे और इन सारी चीजों को दोस्तों आपने छांव में सुखा लेना है। छांव में सुखाने के बाद आपने इसका पाउडर बनाना है, या तो आप मिक्सी में ग्राइंड कर ले इसे, या फिर आप मोमजस्ते वगैरह में भी इसे कूट सकते हैं। यदि आप मोमजस्ते में से कूटेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे तो वो ज्यादा फायदा करेगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपने इसको लेना कैसे है। दोस्तों, आपने इस औषधि का 2 टाइम सेवन करना है, सुबह और रात को। जब भी आप खाना खाएं सुबह और रात को, तो उसे आधा घंटा पहले आपने इस औषधि का 1 चम्मच लेना है गर्म पानी के साथ। इस तरीके से दोस्तों आपने इसका सेवन करना है। यदि आप इस तरीके से इसका सेवन करेंगे तो आपकी 20 साल से चल रही शुगर रोग की दवा भी बंद हो जाएगी, वो भी 7 दिन में, और आपका डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। यदि दोस्तों आप इस नुस्खे का प्रयोग इस तरह से करते हैं तो आप अपनी डायबिटीज को केवल 7 दिन में पूरी तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं। डायबिटीज चाहे 380 हो या फिर 480, ये नुस्खा आपकी डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल में कर देगा। इसलिए यदि आप भी डायबिटीज के मरीज हैं तो इस नुस्खे का जरूर सेवन करें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि यदि आप सोचते हैं कि सिर्फ इस नुस्खे का प्रयोग करके आप अपनी डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये बीमारी हमारी लाइफस्टाइल बेकार होने के कारण होती है। तो जब तक हमारी लाइफस्टाइल नहीं सुधरेगी तब तक चाहे आप कोई भी दवा ले लीजिए, चाहे हमारे द्वारा बताई गई या फिर किसी और के द्वारा बताई गई हो या फिर एलोपैथी ही क्यों ना हो, वो सारी दवाएं तभी असर करेंगी जब आपका लाइफस्टाइल सही रहेगा, आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे। दोस्तों, लाइफस्टाइल को सही मेंटेन करने के लिए कुछ एक काम आपको और भी करने होंगे, जैसे कि आपने अपने खानपान को सुधारना है, खानपान सही रखें, हेल्दी खाना खाएं,
हर रोज सैर और व्यायाम जरूर करें, हो सके तो दोनों टाइम सैर और व्यायाम करें, सुबह भी और शाम को भी। और सिर्फ गेहूं की जगह मिक्स अनाज की रोटी खाएं, जैसे कि यदि आप रोटी गेहूं की खाते हैं तो इसकी जगह आपने मिक्स अनाज का प्रयोग करना है। जब भी आप आटा पिसवाने जाएं तो अपने अनाज में कम से कम 5 या फिर 7 अनाज जरूर मिलाएं, जैसे कि गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, सोयाबीन, मक्की, जौ, ये सारी चीजें आप अपने अनाज में मिला सकते हैं और इनसे आटा पिसवा सकते हैं। यदि दोस्तों आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, इन सब तरीकों से अपना लाइफस्टाइल गुजारेंगे तो फिर देखिए शुगर कैसे भाग जाएगा, जैसे गधे के सिर से सींग भागते हैं, इस तरह से आपकी डायबिटीज भाग जाएगी। दोस्तों आप भी इस विधि से इस नुस्खे का जरूर प्रयोग करें और अपनी दिनचर्या को सही करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिन मेरे भाइयों बहनों को डायबिटीज है वो भी अपने लिए फायदा उठा सकें। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।